हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल फार्मा वॉरियर हब में। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो लेकर के। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी महिला प्रजनन तंत्र के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से सुने, इस बिना स्किप किए और लास्ट तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसीलिए इसको ध्यान से देखें। हर एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की और आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे, कि उसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका फंक्शन कैसा होता है, वन बाय वन जानेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एक जो सबसे स्टार्टिंग पार्ट होता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो होता है वजाइना, जिसको आप वजाइना कहते हो। तो फ्रेंड्स, ये एक एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, जब हमारे पास एक क्या होता है, कपल होता है, तो कपल में हमारा क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वो हमारी वजाइना के थ्रू ही होता है। तो फ्रेंड्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो हमारा मेल होता है वो क्या, एक स्पर्म रिलीज करता है। क्या करता है, एक स्पर्म रिलीज करता है। फ्रेंड्स, जो स्पर्म होता है वो क्या होता है, रिलीज किया जाता है मेल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, अब जो स्पर्म होगा वो आगे बढ़ेगा किस में, फीमेल की बॉडी में आगे, फीमेल की कहाँ पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे बढ़ेगा वो। तो सबसे पहले वो जाएगा किस में, एक पार्ट होता है हमारा, सेकंड पार्ट होता है जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको सर्विक्स कहते हैं। तो जो सर्विक्स होता है उसका काम ये होता है कि वो एज अ डोर काम करता है हमारे किसके लिए, स्पर्म के लिए। और सेकंड काम होता है इसका कि ये क्या, एक फ्लूड रिलीज करता है, एक लुब्रिकेंट रिलीज करता है, ताकि जो हमारा स्पर्म है वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ सके। तो ये काम होता है हमारे सर्विक्स का। तो फ्रेंड्स, सर्विक्स के बाद अब पहुंचता है हमारा स्पर्म, कहाँ पहुंचता है, ये यूट्रस में पहुंचा हमारा स्पर्म। अब यूट्रस में पहुंचने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, अभी इसको क्या होना पड़ेगा, इसको एग के पास जाना होगा। तो फ्रेंड्स, एग के पास जाने के लिए क्या होगा, यहाँ पर दो कंडीशन होगी, कि या तो हमारा जो स्पर्म है या तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाए या राइट हैंड साइड जाए। तो फ्रेंड, लेफ्ट हैंड साइड जाए या राइट हैंड साइड जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में बात करेंगे, तो उस वीडियो में इस चीज़ को विस्तार से जानेंगे कि उसको किधर जाना चाहिए, कौन सी इसकी टेंडेंसी होनी चाहिए ट्रेवल करने की, कि वो लेफ्ट हैंड साइड जाए या राइट हैंड साइड जाए, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 3D स्ट्रक्चर होता है किसका, ओवरी का। ये ओवरी का 3D स्ट्रक्चर होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूट्रस की। तो फ्रेंड, यूट्रस के बारे में अभी बात करेंगे, स्टेप में अगले स्टेप में बात करेंगे, अभी बात करते हैं हम ओवरी की। तो फ्रेंड्स, जो वहाँ ओवरी होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो ओवरी का काम ये होता है कि वो एग को प्रोड्यूस कराती है, एग का फॉर्मेशन होता है हमारा ओवरी के अंदर। तो यही काम होता है किसका, ओवरी का। तो फिर हम मान लेते हैं कि हमारा जो ओवरी होता है उसने एग का फॉर्मेशन कर दिया है, एग बनकर के तैयार हो गया है हमारा ओवरी में, रेडी है फॉर। तो फिर जो हमारा एग बनकर तैयार हो चुका होगा हमारी ओवरी में, अब वो एग वहाँ से ओवरी से ट्रांसफ़र होगा हमारे फैलोपियन ट्यूब में, जिसको आप ओविडक ट्यूब भी कह सकते हो। तो फ्रेंड्स, जब हमारा एग फैलोपियन ट्यूब में पहुँच चुका होगा, तो उसके बाद क्या होगा, ये आगे ट्रेवल करेगा। तो आगे ट्रेवल करते करते कहाँ पहुँचेगा, हमारा फैलोपियन ट्यूब में पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड, फैलोपियन ट्यूब में पहुँचने के बाद वहाँ पे कुछ दिन के लिए ये रेस्ट करेगा, कुछ दिन के लिए क्या होगा वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, थोड़ा स्टे करेगा वहाँ पे। तो स्टे करने का सब कारण क्या होता है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जो सेल, मतलब हमारा ओवा है, बना है एग, कुछ दिन के लिए उसने स्टे किया है हमारा फैलोपियन ट्यूब में, तो उसका स्टे करने का कारण क्या है। तो फ्रेंड, उसका स्टे करने का कारण ये है वहाँ पर कि वो क्या करेगा, कुछ दिन वहाँ रुक करके वेट करेगा कि उसके साथ कोई स्पर्म आए और फ्यूज करे, कोई स्पर्म आए और साथ फ्यूजन करे, इसलिए वहाँ पे रुकेगा। तो फ्रेंड, अब क्या होगा, हमारा इधर से स्पर्म रेडी था, चल जा रहा था, तो क्या होगा, जो हमारा स्पर्म है वो क्या होगा, जा करके फ्यूज करेगा हमारे किसके साथ, हमारे एग के साथ फ्यूज करेगा, और क्या बनेगा, और जायगोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जायगोट बनेगा, एग के साथ जाएगा स्पर्म और फ्यूजन करेगा, और क्या, और जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो फ्रेंड, अब जायगोट बन करके तैयार हो गया हमारा फैलोपियन ट्यूब में। तो फ्रेंड, अब जायगोट को आना है हमारा किधर, यूट्रस में आना है। तो इसकी डायरेक्शन, आने की डायरेक्शन ये होगी, आप यहाँ देख सकते हैं रेड पेन से, ये डायरेक्शन होगी हमारे किसकी, जायगोट की, जब यूट्रस में आएगा वो। अब जायगोट हमारा किस में, यूट्रस में आ चुका है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, अब हमारे यूट्रस में आ गया, तो यूट्रस का काम क्या होता है यहाँ पर। तो फ्रेंड, यूट्रस का काम यही होता है यहाँ पर कि क्या, जो यूट्रस होगा वो उसको शेल्टर प्रोवाइड कराएगा और उसको क्या कराएगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, ताकि वो अपने आगे फॉर्मेशन में
हेल्प कर सके, आगे अपनी प्रोसेस को जारी रख सके। तो फ्रेंड अब हमारा जब जायगोट बन चुका होगा, जायगोट बनने के बाद उसमें एम्ब्रियो बनेगा और आगे बर्थ का फॉर्मेशन आगे स्टार्ट होगा। तो फ्रेंड ये काम होता है हमारा यूट्रस का। तो फ्रेंड ऐसे ही इधर फॉर्मेशन होगा, ऐसे ही इधर फॉर्मेशन होगा ओवरी में एग का, और ऐसे ही ये प्रोसेस सिमिलर प्रोसेस हमारी किधर होगी, सिमिलर प्रोसेस हमारे राइट हैंड साइड में होगी। तो फ्रेंड बिल्कुल सेम प्रोसेस इधर होगा हमारे, अगर हम जब इसकी बात करें तो सेम प्रोसेस ऐसे ही इधर होगा, लेकिन क्या होगा ये अल्टरनेटिव होगा कि एक मंथ इधर से होगा तो दूसरे मंथ इधर से होगा। तो इसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम बात करेंगे मैच्योरेशन साइकिल के बारे में। तो फ्रेंड्स आज हमने बात की इसकी एनाटॉमी के बारे में बात की, और आज इसके फंक्शन के बारे में बात की। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैच्योरेशन साइकिल के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे विस्तार से बात करेंगे इस टाइप में। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक शेयर तो बनता है ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए कुछ और अच्छा से अच्छा लेकर के आ सकूँ। तो फ्रेंड्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, आपके कमेंट का जरूर जवाब दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड कीप सपोर्टिंग।